योगी वीरेंद्र योगी का सत्नमन मेरे भारतवासियों, ये हमारे जो समूह हमारे साथ खड़े हैं वो देशभक्त हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की नगरी से आए हुए हैं और इनमें देशभक्ति है। बहुत सारे बच्चे वहाँ से आए हुए हैं जहाँ से की रानी जहाँ हुई थी, और ये पूरे भारतवर्ष के लोग वैसे महापुरुष हैं जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जैसे महान वीर हुए थे। सबों के दिल में एक ही आस्था विश्वास थी कि भारत का जय हो, भारत का विकास हो, प्रगति हो, भारत एकता के सूत्रों में बंधा रहे, विभिन्नताओं में एकता बना रहे। और इसीलिए आज की जनता जागरूक हो गई है, इसे कोई जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर वोट नहीं ले सकती। आज 2019 का इलेक्शन हुआ है और जनता ने देखी है कि वो सेवक चाहिए हमें जो हमारे देश के लिए, हमारे लिए कुछ करे, और उसने सबों को अपने बस में किया है। ये तो आवत प्रेम के मूल, प्रेम है ये, क्योंकि जनता को प्रेम है वैसे महापुरुषों के लिए जो अपने देश की सुरक्षा कर सके। बाहरी ताकतें जो हमारे घर में आके हमें मारते हैं, उनके घर में घुस के हम मारे, सस्ता है ना? तो वो व्यक्ति अपनी सेवा की भावना से, अपने प्रेम से पूरे हिंदुस्तान के हर चीजों को अपने कब्जे में किया है, और विरोधी जो भ्रष्टाचारी हैं, जो महामिलावटी हैं, वो बोलते हैं कि इसने तो सबको कब्जा में कर लिया है, लेकिन इनको मालूम होने चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता बहुत जागरूक है, सारी जनता समझदार है, उसको काबू में आप नहीं कर सकते। वो बेकाबू चंद्रशेखर आजाद है, वो बेशुमार सुभाष बोस है, भगत सिंह है, उसको आंख के नजरिए से देखता है कि मेरा सेवक कौन है। इसीलिए ये तो आवत प्रेम के मोल, उसको देश से भक्ति है, निष्ठा है, भाव है, प्रेम है, देशवासियों से प्रेम है, इसीलिए उसने सब चीज को अपने बस में किया है। कैसे बस में करोगे? ये तो आवत प्रेम के मोल, बोलो ये तो आवत प्रेम के मोल से ही भगवान ही बस में आते हैं। अगर आपके दिल में प्रेम नहीं है तो कोई भी आपका गुलामी नहीं करेगा। आज का भारतवर्ष आजाद है, ये गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए महामिलावटियों विपक्षियों को बताना चाहता हूँ कि ये सारे लोग उसके साथ खड़े हैं क्योंकि उसने प्रेम किया है, देश से प्रेम किया है, देशवासियों से प्रेम किया है। इसीलिए उसके हाथ में सुप्रीम कोर्ट है, इलेक्ट्रॉनिक कमीशन है, CBI है, और सबसे जो मुख्य प्रधान है हमारे, तीनों सेना उसके बस में है, जल थल और वायु उसके बस में है। ये बस में है और ये गद्दार बोलते हैं कि उसने बस में किया है, तो डरो, डरना चाहिए कि नहीं? नहीं। पूरी जनता, पूरी सेना उसके बस में है। अगर ज्यादा होशियार करे तो हम दुश्मनों को घर में घुस के मारते हैं। गद्दारों, तुम्हारे घर में घुस के भी हमारी सारी जनता और हमारी सेना तुम्हें भी मारेगी। देश की आजादी केवल बाहरी ताकतों से नहीं होनी चाहिए, अंदरूनी ताकती जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जो देश के लोगों को रोटी कपड़ा मकान की समस्या नहीं देना चाहते हैं, उनको भी घर में घुस के मारेगी, क्योंकि वो सबको कंट्रोल में किया है, और कंट्रोल में किया है सेवा की भावना से, हिफाजत करके, लोगों के पैर धो के चरणामृत पीने से, याद है? यस सर। कर्मचारियों की, किसी की भी, तभी बस में कर सकते हो। आज की जनता, भारत के युवा पीढ़ी आजाद है, इसको तुम गुलाम नहीं बना सकते। इसमें एक एक यहाँ जो खड़ा है, सब सुभाष चंद्र बोस है, सब भगत सिंह है, और सब चंद्रशेखर आजाद है। अगर इसको कब्जे में करना है तो इसकी सेवा करो, इसकी भक्ति करो, इसकी सारे समस्याओं का समाधान करो। एक समय बोलो, खामोश, बोलो खामोश। हमारी सेवा करो, हमारी सेवा करो, हमारी समस्याओं का समाधान करो। सत्ता के वो भी लालची, तुम्हें हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत माता के वंदे वंदे वंदे। अच्छा लगा।